हाय फ्रेंड्स, मद्रासी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे डॉल केक। हम मिल्टन का ये डॉल केक टॉपर यूज करेंगे और केक के लिए आज हम बेसिक वेनिला स्पंज केक की रेसिपी यूज कर रहे हैं। पहले के कुछ स्टेप्स इस डॉल केक के जैसे ही होंगे, इसलिए वीडियो का लेंथ कम करने और आपको बोर ना करने के लिए इन रेसिपीज और स्टेप्स के आप ये वीडियोस देख सकते हैं। आज हम थोड़े फॉन्डेंट टूल्स यूज करेंगे। अगर आपके पास ये टूल्स नहीं है तो आप घर में मिलने वाली चीजों से फॉन्डेंट में टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। फ्रॉस्टेड केक के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले केक को मेजर कर लें। इससे हमें आइडिया मिलेगा कि कितना बड़ा फॉन्डेंट रोल करना होगा। हर साइज से एक इंच एक्स्ट्रा रोल करें। अब फॉन्डेंट को रोल कर लेते हैं। आज हम रेडीमेड फॉन्डेंट यूज करेंगे। सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होने तक गूंद लें। गूंदने के बाद इसके एक छोटे भाग को अलग रख लें। इसे यूज करने तक जिपलॉक बैग या एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। टूथपिक से कलर ऐड करके अच्छी तरह से ब्लेंड होने तक गूंद लें। आज हम विल्टन का कैली ग्रीन जेल कलर यूज कर रहे हैं। अब अपने वर्क सरफेस को कॉर्नफ्लोर से डस्ट कर लें और फॉन्डेंट को रोल कर लें। सर्कल शेप में लाने के लिए एक बड़ी गोल प्लेट को बीच में रख के किनारों को ट्रिम कर लें और पतला रोल कर लें। बहुत पतला ना रोल करें क्योंकि इससे फॉन्डेंट के फटने के चांसेस हैं। केक को कवर करने लायक बड़ा शेप आने तक रोल कर लें। अब इसे रोलिंग पिन पर इस तरह से लपेट लें और तुरंत इसे फ्रॉस्टेड केक पर डाल लें। इस तरह से फोल्ड्स बना लें। अब थोड़े ग्रीन फॉन्डेंट को रोल करके डॉल की बॉडी को कवर कर लें। अब केक के बीच में इंसर्ट कर लें। इस वेनिंग टूल से ड्रेस में ब्लेंड कर लें। इसी टूल से टॉप में टेक्सचर ऐड कर लें। अब व्हाइट फॉन्डेंट को लंबे स्ट्राइप्स में रोल कर लें और क्विल्टिंग टिप से स्टिचेस जैसे टेक्सचर ऐड कर लें। कोट टूल से किनारों में थोड़े रफल्स बना लें। लेस तैयार है। कमर के एरिया में थोड़ा पानी लगा के इसे इस तरह से लपेटें। वेनिंग टूल से ड्रेस में ब्लेंड कर लें। इसी तरह से ड्रेस के नीचे भी लेसेस लगा लें। इसे और स्टाइलिश बनाने के लिए इसके गले में लेस का एक नेक पीस बना लें। व्हाइट फॉन्डेंट से ये शेप काट के डॉल के शोल्डर पर लगा लें। वही टूल से टेक्सचर ऐड कर लें। इसे कपड़े जैसा लुक आएगा। अब अम्ब्रेला टूल से टॉप के बीच में बटन लगा लें। सेमी सर्कल काट के इनके किनारों में लेस डिजाइन बना लें और इसे केक पर अटैच कर लें। इसी तरह से छोटे फोल्ड्स बना लें। नेचुरल लुक लाने के लिए इसे ड्रेस के साथ ब्लेंड कर दें। स्टार टिप से ये टेक्सचर ऐड कर लें। अब हम ये बो से इस गैप को हाइड करेंगे। थोड़ा पानी अप्लाई करके एडिबल सिल्वर बॉल अटैच कर लें। डॉल केक तैयार है। अगर आप पूरा डॉल यूज कर रहे हैं तो नीचे के लेयर को छोड़ के बाकी सारे लेयर्स के बीच में एक या डेढ़ इंच का होल काट लें। असेंबल करने के बाद इन होल्स में डॉल को इंसर्ट कर लें। फूड सेफ्टी के लिए इन डॉल्स के टांगों को प्लास्टिक रैप से लपेट लें। अगर आप जिस जगह में रहते हैं वहाँ गर्मी बहुत हो तो घर के सबसे ठंडे लोकेशन में फॉन्डेंट के साथ काम करें, क्योंकि गर्म क्लाइमेट में फॉन्डेंट बहुत ही नरम और चिपचिपा हो जाता है। डॉल को इंसर्ट करने से पहले चाहते हेयर स्टाइल्स बना लें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मद्रासी स्वाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।